स्वागत है आप सबका, स्वागत है सभी को, सुबह की सलाम और सभी को दीपावली और नूतन वर्ष का भी सलाम। आप जानते हैं कि हर गुरुवार को हम कोई एक नई वनस्पति, नई सब्जी, नया फूल, नया पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। आज जो है वो है पम्पकिन, कोड़ू जिसको हम बोलते हैं, पत्तखोल। तो कुष्मांड इसका नाम है, शायद आपने नवरात्रि में माता जी के अलग अलग नाम होते हैं, उसमें चौथे दिन कुष्मांड नवरात्रि होती है, तो वो माता जी का भी ये भोग लगता है, इसलिए उसको कुष्मांड, संस्कृत में इसको कुष्मांड बोलते हैं। उसका गुजराती नाम है कोड़ू और उसके बहुत प्रकार है, उसमें से सफ़ेद, हरा यानी ग्रीन और पीला, तीन प्रकार के ये कोड़ू होते हैं। हमने तो शायद यही देखा होगा साउथ में, और जो साउथ इंडियन आइटम बनती है उसमें पत्तखोड़ू, और नॉर्थ में जो पेठा बनता है वो वाइट कोड़ू और ये पत्तखोड़ू, लेकिन कुल मिला के कुष्मांड यानी कि कोड़ू ये उसका। और जो ग्रीन होता है उसका नाम अलग है, सिर्फ ये विंटर ग्रीन, विंटर में होता है गर्ड इसको बोलते हैं, जो भी ऐसा गोल चीज़ होता है या लंबा होता है जिसमें ये रेसा होता है, ऐसे चपटे बीज होते हैं, वो दूधी हो, तो यूरोपियन अमेरिकन लोग उसको गर्ड बोलते हैं। हमारा हमारी जो अलग अलग वनस्पतियाँ हैं उसका नामकरण हमने अलग अलग ढंग से सोचा है, और उसमें जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से या उसकी उपयोगिता है उसके हिसाब से हम नाम कहते हैं। तो ये कुष्मांड यानी कोड़ू, और आपके सामने जो है, मेरे हाथ में जो है वो है पत्तखोड़ू, पीला कुष्मांड। उसका मैंने वैसे बताया कि वाइट जो होता है, दूसरा ग्रीन होता है और तीसरा ये पीला होता है। आमतौर पर हमारे यहाँ होता है, हम ये सब्जी में पसंद नहीं करते, इसके बारे में कुछ गलत ढंग से बोलते हैं कि भाई ये तो माता जी नो शेर, मतलब ये भोग लगने के लिए लगता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया, सबसे शरीर के लिए हितकारक ऐसा ये पदार्थ है। हम जानते कम है इसलिए हम कभी कभी उपयोग भी कम करते हैं, और कुछ गलत जानते हैं तो गलत चर्चा करते हैं। लेकिन डॉक्टर ग्रीन हरित वैद्य के माध्यम से आपके पास ये मैं अलग अलग वनस्पति, अलग अलग फूल, अलग अलग सब्जी, उसके बारे में उसका जो हमारे शरीर के लिए उपयोग है, हम स्वस्थ रहें इसके लिए जो उपयोग है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज ही ये कुष्मांड मैंने बताया कि उसके तीन प्रकार है, और ये जिसको हम गुजराती में बोलते हैं वेलो, तो क्लाइंबर्स है ये, बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा, ये तो बहुत छोटा है, इसका तो ये 1/4 है, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि एक एक का 25 किलो, 30 किलो, 50 किलो तक एक ये कोड़ू बनता है। ग्रीन छोटा वाला होता है और वाइट थोड़ा छोटा, लेकिन जो पीला होता है वो इतना बड़ा होता है कि उठाने में 3-4 लोग चाहिए, और उसकी अगर डेली 2-3 बार सब्जी करें तो भी 1 महीना चले, इतना ये बड़ा होता है। तो ये कुष्मांड है, उसका क्या उपयोग है वो हम समझो। ये इसका जो पीला कलर है, मैंने हर बार बताया होगा, जहाँ जहाँ पीला कलर जब होता है कुछ फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, सब्जी में, तो उसमें समझना कि वो पोटेशियम है, हाई रिच पोटेशियम ये कुष्मांड है। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम और जिंक, तो बॉडी को थकान ना लगे ये, और पित्त नहीं होता है, ये पित्त की सबसे अच्छी दवाई है। ये हम लोग जो एसिडिटी होती है उसकी दवाई बनाते हैं कुष्मांड पाक, तो हम जो कोड़ा पाक बनाते हैं, ये कोड़ा की सब्जी बनाओ या उसका पाक बनाओ, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में उसका पाक, या जिसको हम पेठा बोलते हैं, जो आगरे का पेठा बोलते हैं ना, वाइट तो दिख रहा है वही सेम है, वो वाइट नहीं होता है, ये येलो है, गोल्डन येलो है। तो उसका पित्त शमन में सबसे बड़ा उपयोग है। जो एसिडिटी होती है ये खाने से एसिडिटी नहीं होती, या एसिडिटी में इसकी दवाई बनती है। हम लोग इसका सिर्फ, आप जैसे गाजर नो हलवा बनावी, गाजर नो सीरो, उसी तरह से इसका, ये तो छीलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है, जैसे आप उसको स्किन निकालेंगे और देखिए हाथ में तो पानी पानी हो जाएगा। तो ये इसको सिर्फ उबालने से चीनी के साथ, शक्कर के साथ, तो तुरंत वो पाक बनने लगता है, तो वो पाक बनाओ और किसी को भी एसिडिटी है तुरंत ठीक हो जाता है, ये घर में बनता है। और इसके बड़े बड़े टुकड़े करके तो सब्जी बनाते हैं। इसका कॉम्बिनेशन होता है ग्वार पत्तखोल अनुसार,
ये गुआर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है और ये ऐसे भी खाया जाता है, उसका स्टफ़ करके परोठा बनता है, इसकी बहुत सी चीज़ें, उसका सूप बनता है। वेजिटेबल में इसलिए यूज़ होता है कि आपका कोई भी वनस्पति या सब्जी है वो अगर पित्त करता है तो ये इसको कम कर देता है, खुद पित्त शामक है। तो ये रूटीन में तो फल बोलो या सब्जी बोलो, दोनों में ही चलता है। तो कुल मिला के इसका पित्त का एक बड़ा उपयोग है। बाकी क्या क्या उपयोग है, तो जहाँ मैंने बताया कि पीला कलर होता है, पोटेशियम होता है, तो वो बीपी को कम करता है। तो वैसे भी पित्त शामक होता है, वो ठंडा होता है, तो वो खून को ठंडा करता है। जो जिसका खून खोलता है, गर्म होता है, तो स्किन डिजीज भी होते हैं, तो इससे स्किन डिजीज कम होते हैं। इसमें आपने देखे बीज, ये तो अभी छोटा है तो भी इतने बड़े बीज आप देखते हैं, तो जितना बड़ा होता है तो बड़े बीज होते हैं, और बीज का भी बड़ा उपयोग है। आपको मालूम नहीं है, आपने कभी ये खाया भी नहीं, सूखा मेवा बनता है। ये बीज को रोस्ट करके, जिसको हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं, काजू में लगभग 60% प्रोटीन होता है, तो इसमें 35% प्रोटीन होता है। इससे आपको पता नहीं चलता कि ये बीज जो फेंकने वाली चीज़ है, वो सूखा मेवा अंदर से निकलता है, इतना वो अच्छा। वो बाकी कंट्री में तो वो एज ए ड्राई फ्रूट खाया जाता है, हमको तो मालूम ही नहीं। और हम अगर पतकोला लाते हैं तो भी सब्जी बनाते हैं, इसका बीज नहीं, तो इतना वो टॉनिक है। साथ में वो किडनी को क्लीन करता है। ये ड्राई फ्रूट भी है, कोई भी किडनी का प्रॉब्लम है तो ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, किडनी के प्रॉब्लम में प्रोटीन नहीं खा सकते। तो ये प्रोटीन ऐसा है कि किडनी को क्लीन करता है, किडनी को ठीक करता है। तो ये किडनी के लिए, वैसे ड्राई फ्रूट खाना है, ताकत लेनी है, तो कौन सा लेना, तो ये इसके जो बीज है उसको रोस्ट करके ऊपर का परत निकाल के अंदर जो बीज होता है जिसको बोलते हैं बीज, तो वो एकदम ड्राई फ्रूट की तरह ड्राई फ्रूट ही है और वो खाते हैं। तो इस तरह से इसके बीज में भी बहुत गुण है, खास करके किडनी को क्लीन करने का, और कैल्शियम भी है। प्रोटीन और कैल्शियम ड्राई फ्रूट में वैसा बहुत कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट होता है, उसमें से ऑयल निकलता है, लेकिन कैल्शियम नहीं होता उसमें, बाकी जो होता है इसमें कैल्शियम भी है। तो इस तरह से ये हड्डियों को ठीक करने वाला उसका जो बीज है वो हड्डियों को भी ठीक करता है, हड्डियों को रोग नहीं होता। अर्थराइटिस में तो हम इसकी दवाई बनाते हैं, संधियों के लिए इसकी हम दवाई भी बनाते हैं अर्थराइटिस के लिए। तो ये ऐसी अच्छी चीज़ है जो ऐसे ही खाने से हमारा हड्डी भी ठीक रहती है, बीपी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इससे वजन कम होता है, खुद बड़ा होता है, इसका बहुत वजन होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें पानी है। जैसे वाटरमेलन, हम तरबूज खाते हैं, खरबूजा, तो वो कितना बड़ा दिखता है, लेकिन उसमें 99% पानी होता है। उसी तरह से इसमें भी पानी होता है, ये एक मेलन का प्रकार ही है, तो पानी हो, लेकिन वो जो है खरबूजा हम हर ऋतु में नहीं खा सकते, वो तो आपको मालूम है। अभी तो बहुत खाते हैं, कल एक मेरे पास पेशेंट आया, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, पता नहीं चल रहा था क्यों डिजीज़ है, पेट की बहुत तकलीफ। फिर मैंने उसका हिस्ट्री लेते लेते आधा घंटा और एक सप्ताह हो गया था, दवाई दी, फिर से आया, ठीक नहीं था। फिर मैंने पूछा आप क्या खाते हो, ठीक है मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ, मतलब आपका पेट क्यों ख़राब है, मुझे लगता है कोई अपथ्य आप कर रहे हो। तो मैं कुछ अपथ्य नहीं करता हूँ सर, मैं तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं फ्रूट खाता हूँ। मतलब कौन सा फ्रूट खाते हो, तो सीजनल फ्रूट, हाँ दो बार खाता हूँ मैं खरबूजा, मतलब ये तरबूज, तरबूज अभी खाते हो, हाँ मैं तो दो बार खाता हूँ दिन में। मैंने बोला वही तो प्रॉब्लम है आपका, तरबूज आ गया, खरबूजा आ गया, इसलिए रामनवमी के बाद तरबूज खा सकते हैं, उसके पहले खा नहीं सकते। ये तो लोग बेचने आते हैं, आप लोग खरीद लेते हो, तो आपका बस एक, मैंने एक सप्ताह फिर तरबूज बंद करवाया, उसका पेट की बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि खरबूजा सीजन से पहले खाते हैं तो पुराने कोई भी रोग को निकलता है, शरीर में अगर रोग पड़े भी है तो उसको वो बाहर निकलता है। तो सीजन के बिना कोई फ्रूट खाना, ऋतु के बिना कोई फ्रूट खाना, अभी जैसे सीताफल आ गया, अभी सीताफल का वाकई में सीजन नहीं है, अभी अमरूद की सीजन नहीं है, आपको हेमंत ऋतु की इंतजार करना ही पड़ेगा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी तब वो आपको बिल्कुल कफ नहीं करेगा। अगर आपने अमरूद खाया तो अभी बहुत कफ होगा, वही अमरूद वही जामफल आपको थोड़ा दिन रुकने दीजिए, आने तो लगा है, लोग तो पकाते हैं, लोगों को बिजनेस करना है, रोकड़िया पाक करके साइंटिस्ट लोग बताते हैं, कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, बिजनेस वाले बताते हैं, कृषि मंडी वाले बताते हैं, लेकिन खाने वाले तो हम हैं ना, उनको तो बेचना है। तो मैं कहता हूँ तरबूज का व्यापार करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तरबूज खाना नहीं चाहिए अभी,
तो उसी तरह से हर फल का, हर सब्जी का होता है कि कब कौन सा फ्रूट खाना, कौन सी सब्जी खानी। मार्केट में तो सब कुछ आता है। तो अभी आपको मैंने जो लास्ट एक दो महीने तक बताया था कि वो शरद ऋतु थी, वैसे ये शरद ऋतु से शुरू हो जाता है और ये पीला उस समय से शुरू करके फिर धीरे धीरे अब वाइट शुरू करेंगे। ये पीला अभी खा सकते हैं और जो वाइट कोड़ू जिसको बोलते हैं, सफ़ेद कोड़ू, वो शुरू करना, वो इतनी ताकत वाली चीज़ है। विंटर में आप कोई मिठाई जिसको जैसे अड़ दिया, विंटर की मिठाई है, लेकिन पचता ही नहीं है, हैवी होता है पचने में वाकई में, तो उस समय कौन सी मिठाई खाना। और मिठाई तो शीत ऋतु में खानी चाहिए। मूँगफली किसी को नहीं सूट करती, हम नहीं तो चिक्की बनाते हैं, तो उस समय आप अगर आगरे का पेठा खाते हैं, और पूरे उत्तर भारत में तो ये अड़दिया बड़दिया खाता ही नहीं कोई, वो तो आगरे का पेठा ही खाते हैं, दूध में क्रश करके पेठा 4-5 किस, जैसे हम एक दो अड़दिया खा जाते हैं सुबह दोपहर को लंच में, उसी तरह से वो लोग पेठा खाते हैं, तो कितनी एनर्जी उसमें होती है। तो वो कोड़ू जो है, ये पतकोड़ू, वाइट कोड़ू, वो एनर्जी बहुत देता है और वजन नहीं बढ़ाता है। खूबी है आप अड़दिया आखिरी सीजन पूरी खाओ तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उड़द से ताकत मिलती है, विंटर में चाहिए भी, खाना भी चाहिए, स्नेह है उसमें, प्रोटीन है, एनर्जी है, लेकिन वो वजन बढ़ाता है। तो जिसका वजन बढ़ता है उसको कौन सा स्वीट लेना, तो वो उसमें दूध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसी, और बिल्कुल सस्ती ये मिठाई तैयार होती है। या पीले का आप हलवा बनाओ वो भी ठीक है, लेकिन वाइट का उस समय पूरा विंटर, पूरा शीत ऋतु में आप वो खाने से, हाँ ठीक है वो बाज़ार की कैसी आती है अलग बात है, उसको तो घर में, हमारा सुझाव तो ये घर में ही बनाने का है कि जिस तरह से गाजर का हलवा बनता है उसी तरह से इसका हलवा बना के आप खाइए, इसकी सब्जी खाइए, तो स्किन ठीक रहती है, रक्त ठीक रहता है, पोटेशियम की वजह से बीपी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वजन नहीं बढ़ता, वजन घटाता है, ये इतना इसमें पोटेशियम है, तो वो एनर्जी देता है और शरीर का ज़्यादा जो जलयांश है वो निकालता है, तो वजन कम हो जाता है। तो इस तरह से ये सब्जी आपको मालूम कम है, हम लोग उपयोग कम करते हैं, इसके लिए हमारी पूरी जानकारी नहीं है इसलिए हम इसका उपयोग कम करते हैं, लेकिन ये सस्ता भी है, आपको आश्चर्य होगा ये सस्ता भी है। सब्जियाँ इतनी महंगी होती जा रही है और अभी तक इसमें GM नहीं हुआ है, जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं बना है। बाकी टमाटर आपके जो आ गए वो GM फूड है, आपके जितने भी सब्जियाँ अब आ रही है वो सब GM फूड है, जेनेटिक मॉडिफाइड, तो वो आपकी सेहत को बहुत ख़राब करता है, वो कैंसर कारक है। अभी तक इसका तो किसी ने नहीं किया है, फिर आगे जाके हो सकता है, क्योंकि आपके पास मार्केट में जितने भी सब्जी आती है, फ्रूट आते हैं, आपने कभी भी मौसमी इतनी मीठी देखी थी, इतनी मात्रा में देखी थी, कभी खरबूजा इतना लाल था, तरबूज इतना मीठा था, आपकी ग्रेप्स, अभी द्राक्ष आएगी, कभी सुना था कि सीडलेस द्राक्ष हो सकती है बीज के बिना, आपकी बीज बिना द्राक्ष और इतनी मीठी, तो द्राक्ष मीठी बनाना, सीडलेस बनाना, एप्पल का वो कलर कर देना, कैप्सिकम का ऑरेंज कलर कर देना, ये सब जेनेटिक मॉडिफाइड है। आपको कौतुक लगता है, हमको लगता है विज्ञान ने प्रगति की और हमको उस तरह से घुसाया जाता है, लेकिन वो सब हमारे शुक्राणु को ख़त्म करता है। और वो बच्चों में जो बीमारी आ रही है, 3 साल के बच्चे को कैंसर कैसे होता है, जो महिला तम्बाकू ही नहीं खाती, सिगरेट नहीं पीती, उसके स्तन का कैंसर कैसे बढ़ गया, उसको ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, उसका गर्भाशय खराब हो गया, हर महिला का गर्भाशय का प्रॉब्लम, क्योंकि वो सब हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड ये फ्रूट, ये वेजिटेबल्स आपके घर में आ गया है 70%। ये मौसमी है, मौसमी ही नहीं है, हमको लगता है ये मौसमी है, लेकिन वो जेनेटिक मॉडिफाइड है। इतना मात्रा में कैसे पका सकते हैं, इतनी मात्रा में कैसे मीठा हो सकता है, इतनी मात्रा में जो उसका नेचर नहीं है वो उसमें डाल के, उसके प्रयोग करके हमारे सामने वो आता है। अब विज्ञान को, अब यूरोप और अमेरिका वाले नहीं खाते ये, कि भारत में सब टेक्नोलॉजी घुसाई गई है और हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के नाम से, विकास के नाम पे हमको ये सब दिया जाता है। तो आपका सब्जी जो आती है अभी बैंगन, भारत के में बैंगन बहुत से अच्छे एरिया में, गुजरात में, जामनगर में और खम्बालिया में होते थे, अब बैंगन को जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया, GM फूड बना दिया, बैंगन के फिर ट्रायल हुए, कितने चूहे के ऊपर पता चला, उसके ऊपर केस चला अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, तब उसमें कुछ कर पाए, पता चला कि भाई ये तो जेनेटिक मॉडिफाइड ये बैंगन है, ये कर दिए। बीज किसान को उसी कंपनी से लेना पड़ता है, किसान का ये बीज से हम उगा सकते हैं,
लेकिन उसमें तो बीज ही नहीं है, आप ग्रेप कैसे बनाएंगे? आप अगर किसान है तो आप समझिए कि आपको द्राक्ष उगानी है तो आप नहीं उगा सकते, क्योंकि उसमें बीज ही नहीं है। तो बीज कहाँ से लेना? उसी कंपनी से लेना। तो वो अमेरिका की कंपनी वही आपको बनाए, और फिर वो खाने से और प्रॉब्लम होता है, तो फिर दवाई लेनी है एलोपैथी की। तो इस चक्कर में हम लोग स्वस्थ नहीं रह रहे हैं। आपको लगता है कि हम योग कर रहे हैं, हम तो घूम रहे हैं, हम तो प्राणायाम कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल गलत खा रहे हैं। आपका फूड में सही तो स्वास्थ्य मिलता है, फूड में सही तो डिजीज मिलता है। तो फूड क्या है, आप स्वस्थ कैसे रहो, वो कभी कभी मैं गुरुवार को आपको बताता रहता हूँ। तो आज पम्पकिन, ये पतकोड़ू कोड़ू, उसको आप प्यार करिए, ये बहुत अच्छा सब्जी है या फ्रूट है, दोनों आप कह सकते हैं। अगर उसका हलवा बनाओ तो ये फ्रूट हो गया, आप सब्जी बनाओ तो ये सब्जी है, और वजन नहीं बढ़ेगा। फिर से एक समरी अगर कर ले तो वजन नहीं बढ़ेगा, बीपी कम करेगा, रक्त यानी कि खून ठंडा होगा, आपके स्किन डिजीज़ कम होंगे, किडनी के डिजीज़ में फ़ायदा होगा। तो ये जो उसके सीड्स हैं वो बहुत अच्छा प्रोटीन है, कैल्शियम है, और उसका जो सीड है वो ड्राई फ्रूट की तरह आप खा सकते हैं, मुखवास में कम से कम खा सकते हैं, ऐसा भी आप लीजिए, तो आपकी सेहत के लिए ये सब अच्छा रहता है। हर गुरुवार को हम एक नई वनस्पति के बारे में चर्चा करते हैं, अगले गुरुवार नई वनस्पति के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक घूमते रहो, चलते रहो, धन्यवाद।